मनुष्य ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया गाड़ियों का आविष्कार, पर रोड पर आने वाले गड्ढों का क्या करें, क्योंकि गड्ढे थे पहियों की सवारी करने वालों के सबसे बड़े दुश्मन। रफ सरफेस पे चलता हुआ पहिया देगा आपको झटका, और अगर ये झटके हो जाए तेज तो आपको मिलेंगे वाइब्रेशंस, और ये वाइब्रेशन डिपेंड करेंगे दो बातों पर, और वो क्या है अभी बता देते हैं। एक तो गड्ढों के बीच की दूरी और दूसरा आपकी रफ्तार। इसलिए हो जाओ खबरदार, क्योंकि आने वाला है टॉपिक जोरदार। तो पहेलियों को देते हैं आराम और करते हैं कुछ काम। आपका एक मिनट विज्ञान के नाम। वैसे फिजिक्स छोड़ के मैं कविताएं भी बना सकता हूं। चलो मजाक बंद, अब सीरियस बात। 1665 में गड्ढों से पैदा होने वाले झटकों को लेदर की स्प्रिंग से दूर किया जाता था। तो क्या झटके दूर हुए? बिल्कुल नहीं। तो आगे क्या हुआ अभी बता देते हैं। उसके बाद आए महान इंजीनियर ओबरडाइन एलियट। इन्होंने 1804 में पहले इलिप्टिकल स्प्रिंग लगाकर कुछ हद तक झटकों को कम कर दिया। पर गड्ढे भी कहां कम थे, एक को भरोगे तो चार और बन जाएंगे। तो झटकों को रोकने के लिए निकाला गया एक नया तरीका, और वो थे हवा से भरे हुए रबर के टायर्स, जो पहली बार 1888 में इस्तेमाल किए गए थे। फिर इंजीनियर ने किया गड्ढों पर सबसे बड़ा वार और कर डाला हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर का आविष्कार, जिसकी कहानी मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए एक सवाल, दुनिया के सबसे पहले मोटर कार बनाने वाले इंजीनियर का नाम क्या था?